प्रकृति के अनमोल और असीमित खजाने में ऐसी कई प्रकार की दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ होती है जो हमारे आसपास में होते हुए भी हमें इसकी जानकारी तक नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये जो कसौंधी का पौधा आप देख रहे हैं वैसी ही एक जड़ी बूटी है जो हमारे आसपास में वर्षा काल में उत्पन्न होती है, जो सड़क के किनारों पर भी आपको आसानी से देखने को मिल जाती है। प्रकृति के इस अनमोल खजाने को सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है, इसके गुणों की जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, प्रकृति के इस अनमोल खजाने में से आज हम एक दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटी कसौंधी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। कसौंधी का पौधा कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सक्षम होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम इसके एक विशिष्ट गुण के बारे में बात करेंगे। ये कसौंधी का पौधा चर्म रोगों को दूर करने की एक सबसे कारगर जड़ी बूटी है। कसौंधी लगभग सारे भारतवर्ष में खाली पड़ी भूमि और सड़क के किनारों पर आसानी से उत्पन्न होती है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। इसके पत्तों को मचलने पर कस्तूरी जैसी गंध आती है। इसके पत्र बालाकार और लंबे होते हैं और पीले रंग के सुंदर पुष्प लगते हैं। इस पर लंबी 1 से 3 इंच जितनी फली लगती है और इसमें बीज होते हैं। इसके गुणों की हम बात करें तो ये वात कफ शामक, पित्त सारक और हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। ये कुष्ठ मिटाती है, विष को दूर करती है और खून साफ करके रक्त विकार दूर करती है। ये हृदय के लिए काफ़ी फायदेमंद औषधि है। दोस्तों, ये चर्म रोगों को दूर करने की एक सबसे कारगर और विश्वसनीय औषधि है। ये पुराने से पुराने चर्म रोगों को दूर करने की सबसे कारगर औषधि है। इसके लिए आपको क्या करना है जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले कसौंधी के पूरे पौधे यानी इसके फल फूल बीज और पत्ते सबको समान मात्रा में लेकर पीसकर क्वाथ बना लें, यानी पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और इस काढ़े का 20 से 30 मिली की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें। दोस्तों, इस विधि से पूरे शरीर का रक्त शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, त्वचा रोग में सबसे जरूरी होता है शरीर की अंदर की सफाई। इससे खून की खराबी दूर होती है जिसके कारण अंदर से ही रोगों का सफाया होता है। इसके बाद इसके बीजों को इकट्ठा करके पीस लीजिए, फिर इसका लेप बनाकर दाद वाले स्थान पर लगाएं। दोस्तों, इसको रोजाना लगाने से 8 से 10 दिनों में ही दाद खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इस पूरे पौधे के पंचांग का क्वाथ बनाकर पानी के साथ मिलाकर छान कर इससे स्नान करना है। इस पानी से शरीर के सभी अंगों को अच्छी तरह धोए और स्नान करें। दोस्तों, दाद के लिए इसका एक और भी प्रयोग है। इसकी जड़ को सिरके में पीस लीजिए, फिर नींबू के रस के साथ मिलाकर दाद पर लेप लगाएं। ये प्रयोग 8 से 10 दिनों तक लगातार करें। अगर पुराना रोग है तो लंबे समय तक इसका प्रयोग करें। जब तक इसकी दवाई चलती रहे तब तक खाने में खट्टी तीखी ज़्यादा नमक वाली और तली हुई चीज़ों का सेवन न करें। दोस्तों, इस प्रकार से आप इस कसौंधी का प्रयोग करते हैं तो सभी प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, दांत खुजली विसर्प या कंडू, ये जड़ से खत्म होते हैं और दोबारा नहीं होते। दोस्तों, ये श्वेत कुष्ठ में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए कसौंधी के साथ मूली के बीजों को समान मात्रा में लेकर दुगुनी मात्रा में गंधक मिलाकर पीसकर लेप लगाए। इस प्रयोग को रोजाना करने से सफ़ेद दाग दूर होते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से कटने से या चलने से घाव लग गया हो तो इसके पत्तों को पीसकर लगाएं, इससे घाव शीघ्र भर जाते हैं।